सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जैप बाइट को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जेवियर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैफ पाइट। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे अमेज़न के पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अमेज़न अकाउंट पे लॉगिन करूँगा और कभी कभी क्या होता है कि पासवर्ड हम भूल जाते हैं। तो चलिए एक बार लॉगिन करके देखते हैं। तो पहले मैं अपना मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है इनकरेक्ट फ़ोन नंबर। एक्चुअली मैंने कंट्री कोड नहीं डाला था इसलिए इनकरेक्ट फ़ोन नंबर बता रहा है। तो अब मैं लॉगिन करूँगा अपने ईमेल आईडी के ज़रिए। और आप यहां से दो तरीके से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, एक फॉरगॉट पासवर्ड या फिर लॉगिन यूजिंग एन ओटीपी। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहां पे यूज़ करूंगा लॉगिन विद यूजिंग एन ओटीपी। और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। आप उस या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। यहाँ मेरे ईमेल आईडी में पासवर्ड आया, तो मैं यहाँ पे ओटीपी को डाल के इसे पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैं ये तरीका को स्किप कर देता हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो आप बिना ईमेल आईडी के भी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है लॉग इन विद मोबाइल नंबर। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा और यहां पे भी दो तरीके हैं, फॉरगॉट पासवर्ड या लॉग इन यूजिंग एन ओटीपी। तो मैं पहला वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड। एक्चुअली मैंने ये जो यूज किया है फॉरगॉट पासवर्ड, तो मेरा ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया है। अगर आप ओटीपी के जरिए करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो मैं पहला वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेट अ न्यू पासवर्ड पे कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में वन टाइम पासवर्ड आ गया है। यहाँ पे मैं वन टाइम पासवर्ड अभी डालूंगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है। चलिए यहाँ ओटीपी ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका है, तो देख लेते हैं क्या ओटीपी है। अगर मान लीजिए आपका ओटीपी आने में डिले हो रहा है, तो आप यहाँ रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने ईमेल के इनबॉक्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आएगा इंटर न्यू पासवर्ड, और फिर उसी पासवर्ड को री एंटर करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ आपको मिनिमम 6 या 8 डिजिट का पासवर्ड, साथ में कोई स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होना पड़ेगा। यहाँ से मैं अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेता हूँ। और याद रखिएगा, अगर आपको पुराना पासवर्ड मालूम है तो उस पासवर्ड को रिपीट नहीं करके आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो
तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।